नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, चीन अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर उकसावे भरी हरकत करते रहता है, और इस बार उसने लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा के काफी नजदीक उड़ान भरी है। हालांकि समय रहते भारतीय वायुसेना सतर्क हो गई है। दरअसल दोस्तों, चीन के भारतीय सीमा के काफी नजदीक अपने लड़ाकू विमानों को भेजने की हरकत जून के अंतिम सप्ताह में हुई, और जब सुबह लगभग 4 बजे चीनी लड़ाकू विमानों को ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर LAC के काफी नजदीक देखा गया था, और इसके साथ ही सीमा के क्षेत्र में तैनात रडार द्वारा भी पकड़ा गया। और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया दी। वहीं जहां हिंदुस्तान टाइम्स की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख सेक्टर की सीमा से लगे क्षेत्रों में S-400 वायु रक्षा प्रणाली सहित अपने लड़ाकू जेट और वायु रक्षा हथियारों से जुड़े अभ्यास कर रहा है, और चीनियों के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और मानव रहित विमान यानी कि UAV हैं, जिन्हें भारतीय क्षेत्र के पास तैनात किया गया है, और इनमें होतान और गारगुंसा में प्रमुख हवाई क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें पिछले 2 वर्षों के दौरान बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि चीन यह पहली बार कर रहा है। 2020 में इस तरह के युद्ध अभ्यास के दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी संख्या में पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण क्षेत्र में आमने सामने कई झगड़े हुए थे। और सूत्रों ने कहा है कि विमान के भारतीय चौकियों के करीब आने का मामला चीनियों के सामने ईस्ट एबलिस्ट मैकेनिज्म के तहत उठाया गया था। हालांकि यह बहुत गंभीर घटना नहीं थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दूसरे पक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में वृद्धि हो सकती है। विमान LAC पर उन क्षेत्रों के बहुत करीब आ गया जहां मई 2020 से दोनों पक्षों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के दौरान भारतीय और चीनी पक्षों के बीच टकराव भी हुआ था, और तब से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है, और पूरे लद्दाख सेक्टर को इस हद तक मजबूत किया है कि विरोधी LAC पर स्थिति को एक तरफा बदलने के बारे में सोच भी न सके। और भले ही चीनी लद्दाख सेक्टर के सामने अवैध रूप से अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, हालांकि भारत ने भी लद्दाख में सड़कों सहित बुनियादी ढांचों को बड़े पैमानों पर विकसित किया है, ताकि सैनिकों के लिए पहले की तुलना में कम समय में अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाना आसान हो सके। और भारतीय सेना में लद्दाख सेक्टर के प्रभारी उत्तरी कमान को चीनी पक्ष से खतरे से निपटने के लिए हर संभव गोलाबारी और मैन पावर प्रदान की गई है। वहीं इसी तरह भारतीय वायुसेना की ओर से क्षेत्र के पश्चिमी वायु कमान प्रभारी को किसी भी घटना से निपटने के लिए राफेल लड़ाकू जेट सहित सभी प्रमुख संपत्तियां दी गई हैं। वहीं अब आप लोगों का क्या व्यू है चीन की इन हरकतों पर, कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।